पति के बाद पत्नी का ससुराल में सचमुच कोई नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो कि आखिर क्या इसके साथ कुछ हुआ है क्या, तो जी नहीं। लेकिन जो हम समाज में देखते हैं और समाज क्या हम जो सोशल मीडिया पर अभी देख रहे हैं, वो देखकर मेरा दिल काफी दहल गया, मन विचलित हो गया, मैं परेशान हो गई। हाँ, मैं वीडियो थोड़ा लेट लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत काफी कुछ सोच समझ रही थी कि क्यों हुआ ऐसा। मतलब सचमुच अगर पति नहीं है तो हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं, पति नहीं है तो हमारा ससुराल में कुछ भी नहीं, ना मान मर्यादा प्रतिष्ठा। चलो दौलत की बात तो अलग है भाई, दौलत के भूखे आज के कलयुग के कुछ लोग हैं, चाहे वो क्या बोलूं किसी भी टाइप के लोग हों, लेकिन क्या हमारे जीने का अधिकार नहीं? हस्बैंड चले जाए तो क्या हमारे बच्चों को जीने का अधिकार नहीं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं? तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं रितिमा राज स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी पर है, और सपना चौधरी को कौन नहीं जानता है, आप सभी जानते होंगे, और किस तरह से उन्होंने सब कुछ झेला वो सोशल मीडिया पर है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो उस लड़की ने इतनी कम उम्र में झेला देखा, जिसने उसे कभी भी सोशल मीडिया पर लाकर रखना उचित नहीं समझा। लेकिन जब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर उठ जाए, तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, हमें अपने आप के लिए बोलना पड़ता है। और यहाँ पर तो सपना चौधरी की दो दो मासूम बेटियां भी है, तो भाई वो चुप रहे तो रहे कैसे? इतने दिनों से वो सारी चीजों को यूं ही जो है पानी की घूंट की तरह पी रही थी, कड़वाहट अपने अंदर डाले जा रही थी। जब सूरज जी उसके लाइफ में थे उस वक्त भी कुछ नहीं था उसके लाइफ में। कहने का मतलब ये कि पति तो था लेकिन वो सुख नहीं था, जैसा कि सपना चौधरी में अपनी वीडियो में रखा है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। जब कोई लड़की की शादी होती है ना, तो बहुत अरमान लेकर ससुराल में जाती है कि मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब मैं ऐसे रहूंगी ऐसा कुछ करूंगी। और जब शादियां छोटी उम्र में हो जाए ना, तो समझना ससुराल में जाकर सब चीजों को करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उम्र भी उतनी नहीं होती और समझ भी उस लायक नहीं होती है। तो पहले तो सपना चौधरी की शादी जो हो जाती है काफी कम उम्र में होती है, और सूरज से जब उनकी शादी होती है तो चलो जो भी कुछ था मारते पीटते थे, और वो भी उस वक्त जब वो उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी की वीडियो में देखा, सब कुछ उसने सामने लाकर रखा। आखिर इस सब चीजों को रखने के पीछे का रीजन क्या है पता है? कुछ लोग कह रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में सही में कहा जाता है कि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के प्राणी, हाय रे लोग कैसे लोग हैं। एक तरफ वो दुखियारी बेचारी, हम बेचारी कह रहे हैं, लेकिन कितनी मुश्किल से वो चीजों को झेल रही है, समझ रही है, आप लोगों को समझ नहीं आता। और आप लोग वहां पर जाकर उनकी वीडियो में कमेंट करते हो कि अरे ये सारा ढकोसला कर रही है, ये तीसरी शादी करने के लिए ये सब चाल चल रही है। लेकिन उसके पीछे एक महिला का दिल है, मतलब कि एक औरत का दिल है, एक बहू है, बेटी है, माँ है। आप अगर एक बहू बेटी माँ हो तो आप अपने अंतर आत्मा से उन सब चीजों को सोचना और समझना। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रही हूं। किसी पर लांछन लगाना बहुत आसान होता है, किसी पर कलंक, कहते हैं ना कलंक जो होता है वो काजल से भी काला होता है, जिसको एक बार लगा दिया गया ना तो शायद जब तक हम जीवित हैं वो मिट नहीं सकता। लेकिन कलंक लगाने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसकी स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि सपना चौधरी ने अपने वीडियो में रखा, सब कुछ रखा। देखो मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैं काफी दुखी हूँ इन सब चीजों को देखकर कि क्या सचमुच, मतलब पति है तो ससुराल है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तब तो मैं ये सोचती हूँ कि वो पुराना जमाना ही सही था जब स्त्रियों को उनके पति के साथ जला दिया जाता था, क्योंकि जीवित होने के बाद भी आज महिलाएं अंतरात्मा से जल ही रही हैं। जैसा कि सपना जल रही है, जल रही है, जल रही है। कहने का मतलब ये है कि वो दुखी है, अंदर से परेशान है, अंदर ही अंदर वो जल रही है। या तो उसको एक बैग मार दो या फिर उसको जिंदा रहने दो, तो उसके पूरे अस्तित्व को जिंदा रहने दो। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार इंसान मर जाए। और सपना ने मुझे लगता है कि डिसीजन अभी के समय में अच्छा लिया है। मैं जानती हूँ कि आने वाले भविष्य में भगवान करे कि उसके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। शादी होकर जाती है, पति मारता है उस वक्त जब वो एक जीव को अपने पेट में पाले हुए रहती है। मुझे शर्म आती है ऐसे मर्दों पर,
अब रीजन क्या था मारने का तो वो भी जाने, लेकिन रीजन कुछ भी रहा हो, गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना कितना बड़ा अपराध है, शायद वो इस दुनिया में नहीं, अगर रहते तो मैं उनको बताती। और ये अब मैं यही कहूंगी, ये बूढ़े माँ बाप आप लोगों को भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ढाल बनकर खड़ी थी अंशु, जो कि हर वक्त स्नैपी गर्ल यानी कि सपना चौधरी के साथ खड़े रहती थी, उसके सुख में उसके दुख में। सपना ने भी कल बोला और अंशु की भी वीडियो हम लोगों ने देखी कि जब मैं 6-7 साल की थी तब भाभी जो है वो ब्याह होकर आई थी और किस तरह से वो हमें जो है नहलाती थी, गुड्डे गुड़ियों की तरह सजाती थी, टिफिन पैक करती थी, हमारा जो है वो खाना खिलाती थी, मतलब हर कुछ जो एक बच्चे के साथ किया जाता है, एक माँ करती है, वो सारी चीजें भाभी हमारे साथ करती थी। तो यहाँ पर लोगों ने ये देखा कि अरे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो इन लोगों को ही तोड़ा जाए, मतलब कि दोनों को अलग कर दिया जाए, एक को अपने रास्ते भेज दो, यानी कि अंशु को उसके अपने घर में भेज दो, तो सपना चौधरी हार के अपने आप यहाँ से चली जाएगी। और रीजन मात्र प्रॉपर्टी, वाह भैया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके पास बहुत पैसा है क्या वो पैसा खाता है या अनाज ही खाता है? आप लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? देखिए, माफी चाहूंगी मैं इन वर्ड को रखने के लिए, इसलिए क्योंकि सपना के जो सास ससुर है ना, वो मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, तजुर्बा भी आपका मुझसे काफी ज्यादा होगा, लेकिन आपकी जो करनी है इस वक्त जो दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पर सपना ने रखी आपकी रिकॉर्डिंग, और जो सासू माँ कह रही है ये तो राजवीर का है, ये तो सूरज का है, ये तुमको लेकर नहीं जाना, तो आप ये बताओ इन सब चीजों का आप करोगी तो करोगी क्या? इस पर अधिकार सपना का है, सपना की बच्चियों का है, और सपना आपसे अलग नहीं है, वो आपके घर का ही हिस्सा है, और आपकी जो दो पोतियां है ना, वो आपके ही द्वारा जन्म दिए गए बेटों का अंश है, इस बात को ये भूल जाती हैं, बुजुर्ग हैं, पर पता नहीं क्या बोलूं, देखो कुछ बोल दूंगी तो लोग कहेंगे कि ऐसे बोलती है, लेकिन बहुत तकलीफ हुआ, मैं भी एक महिला हूं, समझती इन सब चीजों को, मतलब आज मैं अपने घर में हूं, अपना सब कुछ कर रही हूं, और जब हक की बारी आए, जब मुझे यहां रहने की जरूरत हो, उस वक्त मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए, एक बार कोई रोके भी नहीं, कैसा एहसास होगा उसके अंदर, आप लोग सोचिए और समझिए। और मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहूंगी कि सपना अभी बहुत परेशान है, हम लोग सब लोग जानते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि सपना ने भी कहा है कि आप लोग ही मेरी हिम्मत हो, यानी कि जो उनके सब्सक्राइबर हैं, फैन फॉलोवर्स हैं, वो उनकी हिम्मत है, तो आप लोग हिम्मत दीजिए चैनल के माध्यम से, उनको जितना आप व्यूज दोगे उतना वो उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मदद उनकी उतनी कीजिए जितना कि उनको उसकी जरूरत है, ऐसा ना हो कि आपकी मदद किसी के लिए आफत बन जाए, आपकी मदद किसी के लिए दिक्कत का कारण बन जाए, तो मदद करिए, मैं यही कहूंगी। लेकिन यहां पर मैं सासू माँ और सास ससुर जो सपना चौधरी के, उनसे यही कहूंगी कि आप ये बताइए, आप सारा कुछ रख लोगे, सपना ने इनकार नहीं किया कुछ भी देने से, उसने साफ तौर पे कहा कि मैं वहां का एक कंबल भी लेकर नहीं आई हूं, सपना ने खुद का कमाया हुआ जो यूट्यूब से उसने कमाया, जो कोलैबोरेशन वगैरह करती है, जो भी कुछ करती है उससे जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो सारी चीजें लेकर आई है। एक तरफ इनके ससुर जी का मैंने रिकॉर्डिंग सुना, वो कह रहे हैं घर दे देना, पैसे ले लेना, अंकल जी मुझे ये बताओ आपकी ही बहू है ना, आपकी ही बहू है या फिर आप खरीद कर लाए थे कहीं से, और वो दो छोटी मासूम बच्चियां वो आपके ही बेटे का अंश है ना, कम से कम सपना नहीं तो उन बच्चियों के बारे में आपने सोचा होता, आप घर ले लोगे। सपना एक तरफ ये भी कह रही है कि मैं क्या करूंगी, अभी कुछ बता नहीं सकती, पहले मुझे सेटल होना है, एक बार भी आप लोगों ने उसको रोकने टोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि एक बार जब सपना चौधरी घर से जा रही थी तो उसने खुद कहा कि मेरे ससुर ने बोला कि नहीं जाओ, तो वो रुक गई, क्या इस पर वो नहीं रुकती, बिल्कुल रुकती, लेकिन कहते हैं ना कि तालियां दोनों हाथ से बजती है, और आप बड़े हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं, आपके दो बेटे थे, दोनों बेटे इस दुनिया को अलविदा कह गए, आपकी पोतियां आपके बुढ़ापे का सहारा बनती, आपके बुढ़ापे का लाठी बनती, आपकी ढाल बनती, लेकिन आपने ढाल को तोड़ दिया, लाठी को तोड़कर फेंक दिया। देखिए मेरे अंदर गुस्सा भी है और सपना के लिए बहुत तकलीफ भी है, तब जाकर मैंने ये वीडियो, बहुत हिम्मत किया है तब जाकर मैं अभी इस वीडियो को बना रही हूं, और मैं लेट हूं मैं जानती हूं, लेकिन मैं अपने दिल की गहराइयों से जो बातें हैं वो कह रही हूं, क्योंकि ये सपना है, कल कोई और महिला हो सकती है,
और हम जानते हैं कि ये हमारा समाज है, समाज में हमें रहना है, लेकिन क्या कोई भी इंसान महिला के लिए इतना गलत कर सकता है? अपने ही घर में किस तरह से सपना ने सारी चीजें को जो है वो लाकर अब रखा, क्यों नहीं पहले रखा था? क्योंकि वो उस घर में रहना चाहती थी, वो मान मर्यादा अपने संस्कारों से बंधी हुई थी, इसलिए कभी भी उसने हुंकारी कहते हैं ना, वो तक नहीं लगाया कि तकलीफ हो रही है मुझे, तकलीफ झेलती गई लेकिन कभी भी कुछ भी उफ तक नहीं किया। जब भी उसके माँ बाप आते थे तो इन लोगों को तकलीफ, जब जाने लगी तो रोकने का कोई भी प्रयास नहीं। और यहाँ जब दो कड़ी एक साथ जुड़ी हुई है तो दोनों कड़ियों को अलग कर दो, तब ये अपने आप चली जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के पीछे का रीजन क्या है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, और मैं कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में, और देखिए ससुर जी ही जो है आगे, मुझे लगता है मुझे 1% भी चांस है कि ससुर जी सारी चीजों को सही करेंगे, क्योंकि वो आपके घर का हिस्सा, आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आप पैसे रहकर भी आप क्या करोगे, जब आप बेड पर पड़े रहोगे पैसों से आपको क्या मिलेगा, मिलेगा क्या ये बताओ? शोहरत आपके पास बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन जब आप खाट पे पड़ोगे ना, जब आप बीमार पड़ोगे तो आपको पूछने वाला उस वक्त कोई नहीं होगा, पैसों से आप क्या कर लोगे, आदमी खरीद लोगे? वो भी अगर आदमी आप रख भी लेते हो, नौकर भी रख लेते हो ना, तो वो टाइमली आएगा, टाइमली आपको खाना देगा, आपका कपड़ा धोएगा, लेकिन आपका जो आप खटिए पर लेट कर मलमूत्र करोगे ना, मलमूत्र का त्याग करोगे, क्योंकि जब बूढ़े होते हैं ना लोग, तो बहुत चीजें मैंने देखी है, उस वक्त वो नौकरानी आपका मलमूत्र भी नहीं साफ करेगी। लेकिन अगर सपना होती तो ये आपके घर की बहू है, ये सारा कुछ करती कर ही रही थी, इसने कभी भी ये नहीं कहा, जबकि लोगों ने सोशल मीडिया पर कितना इसको ट्रोल किया, तीसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, लेकिन कभी भी इसने नहीं कहा कि हाँ करूंगी या डिसीजन ले रही हूँ, कभी नहीं, हर वक्त इसने जो है वो उन सब चीजों से इनकार कर दिया, क्योंकि ये अपने आप में जो है वो मजबूत है, मतलब कि अपने बेटियों के लिए ये सब कुछ कर सकती है, जरूरी नहीं कि एक मर्द का सहारा ही मिले तो औरत अपना परिवार अपने बच्चों को पाल सकती है, एक औरत भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छा परिवेश दे सकती है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं ध्यान में रखते हो जो उल्टा सीधा कमेंट करते हो, कुछ वीडियोस भी उल्टे सीधे बन रहे हैं। तो परिवारों को जोड़ने का प्रयास करिए, ना कि तोड़ने का, मैं यही कह रही हूँ। और देखिए मैं यही कहूंगी कि कुछ भी सपना चौधरी के लिए, उसके परिवार के लिए अफवाहें ना फैलाई जाए जब तक आपको सच प्रमाण के तौर पर ना मिले, ये नहीं कि आप सिर्फ सुन लो और वीडियो बना दो, नहीं, जब तक आपको सच प्रमाण के तौर पे ना मिले तब तक आप लोग कुछ भी वीडियो में उल्टी सीधी चीजें ना रखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप लोग अगर सपना से प्यार करते हो तो सपना को भी तकलीफ होगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर मात्र व्यूज बटोरने के चक्कर में। हम लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ, भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सपना अपने ससुराल में बसे या फिर जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने बच्चों के लिए सब चीजें करे, वो सब काम करे जो एक माँ करती है, एक संस्कारी माँ करती है, अच्छी माँ करती है। और सपना बहुत अच्छी माँ है, इतनी सी उम्र में इतना कुछ झेल जाना, अच्छे अच्छे जो जिनकी उम्र बहुत होती है ना वो भी नहीं सहन कर पाते। अब देख लो इनके सास ससुर को ही कि किस तरह से, पता नहीं इन सब चीजों के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, क्या सिखा रहा है इनको क्या, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि कोई सिखाए चाहे आपको कुछ बोले, आपका दिमाग कहाँ गया है घास चरने? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? आप तोल मोल नहीं कर सकते कि हाँ अगर ये मुझे सिखा भी रहा है तो ये किसके खिलाफ मुझे भड़का रहा है? मेरे बेटे तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बहू ही मेरी सहारा है और पोतियां ही मेरा सहारा बनेंगी बुढ़ापे का, तो मैं इसकी बातों में ना आऊं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आंख मूंद कर एकदम जा रही है तो जाओ। सपना ने कितना रोकर वीडियो बनाया, कितना कुछ कहा कि एक बार रोका तक नहीं, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग थी कि सास ससुर मुझे रोकेंगे तो मैं रुकूंगी, अगर नहीं रुकना रहता ना तो आ जाती और उल्टा सीधा कुछ भी आपके खिलाफ वीडियो बनाती। लेकिन फिर भी बहुत जो है वो लिमिट में अपनी बातों को वो रख रही है। आपके घर में मुझे लगता है कि यही होता है, एक तरफ सपना चौधरी और दूसरी तरफ हम लोगों ने रेखा जी को भी देखा है जो कि मनस्वी ब्लॉक के नाम से जानी जाती है, उनको भी देखा है कितना स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है पति के रहते, एक तरफ उनके पति हैं फिर उनके साथ इस तरह की दरिंदगी हो रही है, और इनके तो कोई नहीं, और चलो उनके माँ बाप के साथ तो उनके बेटे खड़े हैं,
सिर्फ रेखा जी के साथ कर रहे हैं, उनके सास ससुर रेखा जी के साथ कर रहे हैं, लेकिन इन सपना चौधरी के जो सास ससुर हैं उनके साथ तो उनके पीछे खड़ा रहने वाला कोई है ही नहीं, पूरे वंश का सत्यानाश हो गया है। मतलब कि बेटे नहीं है, कम से कम पोतियां हैं जो आपके वंश का नाम ऊंचा करेंगी, लेकिन आपको उनकी भी चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इसके जगह बेटे रहते ना तो मुझे लगता है बच्चों को बेटी थी इस वजह से भगा दिया गया, लेकिन बेटे होते तो आप कहीं ना कहीं रोकते, आपका वंश चलता। पता नहीं, मैं देखो हो सकता है यहाँ पर गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ एकदम सच ही कह रही हूँ, लेकिन सुनकर और देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। और सपना चौधरी, मैं यही कहूंगी कि हम लोग आपके सब्सक्राइबर हैं, मतलब थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सोशल मीडिया पर मैं यही कहूंगी कि उनके नाम को बदनाम ना किया जाए, बेवजह कुछ भी अफवाह मत फैलाइए। वो भी एक महिला है और आप सभी एक महिला हैं, जितना हो सके उनके चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मात्र एक सहारा उनका ये सारी चीजें, मतलब कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से ही अब जो कुछ भी है वो कर पाएंगी अपनी बच्चियों का अच्छा परिवेश, बच्चों को जो है अच्छा परिवेश, एक अच्छा इंसान बना पाएंगी। लेकिन दुख होता है कि एक स्त्री शादी होकर जाती है ससुराल के लिए, वो सब कुछ करती है, लेकिन वो ससुराल कभी इसके साथ खड़ा नहीं होता। पति के जाने के बाद मानो कि सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरा अंदर से मन जो है ना बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि ये हर स्त्रियों के साथ हो सकता है। आज सपना है, सपना की जगह कल को कोई और सपना भी होगी जिसे हम नहीं जान रहे हैं। हम तो सोचते थे भाई ये लोग बहुत बड़े वायरल लोग हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, व्यूज जाते हैं मिलियन में, बहुत खुश नसीब परिवार है, बहुत खुश हैं ये लोग अपने निजी जीवन में। लेकिन जब इस तरह से चीजें निकल कर आती है ना तो कभी कभी ये लगता है कि ना, पैसे का भी कोई मोल नहीं है, प्रॉपर्टी से हम खुशियां नहीं पा सकते, पैसों से हम खुशी नहीं पा सकते, पैसों को क्या हम खाएंगे। पैसे से हम चीजें खरीद सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन मन की संतुष्टि हम पैसों से नहीं पा सकते हैं, खुशियां नहीं पा सकते हैं, फीलिंग्स नहीं खरीद सकते हैं। हम खरीद सकते हैं कपड़े, ज्वेलरी, घर, दौलत, गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे होटलों में खाना, लेकिन हम अंदर की खुशी पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। माता जी, मैं आपसे कह रही हूँ, सपना चौधरी की जो सासू माँ है उनसे समझिए चीजों को। आप तो उम्र में बहुत बड़ी, हम लोगों को समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो आप दोनों, आपकी पोतियां आपका ही सहारा बनेंगी, सपना आपका सहारा बनेगी, तीसरा इंसान आपको सिर्फ लूटेगा, लूट लेगा ना तो लाके रोड पे खड़े कर देगा। जब उससे आपके फायदे निकल, आपसे उनका फायदा निकल जाएगा ना, तो वही लोग आपको लात मार के भगा देंगे। लेकिन सपना कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो आपकी घर की बहू है, वो पोतियां जो छोटी छोटी अभी मासूम है ना, वो आपका सहारा बनेगी बुढ़ापे का। तो मैं यही कहूंगी, छोटी मुंह बड़ी बात मैं कह रही हूँ, उम्र में मुझसे काफी बड़ी है, मैं चाहूंगी कि इनका घर फिर से बस जाए, फिर से सपना और सपना के ससुराल वाले यानी कि सास ससुर एक हो जाएं। पैसों से कुछ भी नहीं हो सकता, पैसों से हम कुछ नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं तो सिर्फ वस्तुएं, खुशी, आंसू, गम नहीं खरीद सकते। और बहुत तकलीफ हुआ सपना की वीडियो देखकर, उधर अंशु की भी वीडियो आई है तो काफी तकलीफ हुआ, किस तरह से ननद भाभी जो है एक माँ बेटी एक बहन के तरह रहती थी एक घर में, लेकिन पता नहीं किनको ये पसंद नहीं आया, किनके आंखों में ये सारी चीजें चुभ रही थी जो इन लोगों को अलग करने का प्रयास किया और कर ही दिया। कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं और खुशियां मना रहे होंगे जो भी इसके पीछे मास्टर माइंड है वो लोग। तो बस यही कहेंगे कि किसी को देखकर, किसी को दुख देखकर आप कभी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पर जो भी लोग सपना चौधरी से जुड़े हुए हैं, मैं यही कहूंगी प्लीज अफवाह ना फैलाएं। और उसकी वीडियो में कम से कम देखिए, किसी का आप सहारा नहीं बन सकते ना, तो किसी को बेसहारा भी करने की कोशिश नहीं करिए, यानी कि दुखी करने की का कोशिश मत करिए। उल्टा सीधा वीडियो में आप लोग कमेंट करते हो तीसरी शादी अगर करना ही रहता तो वो कर गई होती, इतना सब कुछ नहीं झेलती और झेल रही थी, लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं रखा। जब पानी सर से ऊपर हो गया तब जाकर उसने सारी चीजें सोशल मीडिया पर रखी है। तो क्यों रखी है? ताकि लोग उसको प्यार दें, सम्मान दें, इज्जत दें। लेकिन अगर आप लोगों के द्वारा उसको तिरस्कार और उल्टे सीधे वीडियो बनेंगे, उल्टा सीधा कमेंट आएगा तो कितना दुख होगा, क्योंकि आप लोग भी एक महिला हो और वो भी एक महिला है। तो एक महिला जब महिला का दर्द नहीं समझ पाएगी तो मुझे लगता है वो महिला कहलाने के लायक नहीं है। तो बस यही कहना चाहूंगी और बहुत तकलीफ है मुझे भी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।